प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेखक अरविंद कुमार सिंह ने अपने इस निबंध चिट्ठी की अनूठी दुनिया के माध्यम से हमें पत्रों यानी चिट्ठियों के विचित्र संसार, उनका हमारे जीवन में महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान के साथ साथ प्रसिद्ध एवं महान लोगों के पत्रों के योगदान से परिचित कराया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही वैज्ञानिक युग में संसार के अनेक नए नए और तीव्र साधन उपलब्ध हैं, फिर भी चिट्ठियां यानी पत्रों की दुनिया सदैव स्थायी और सर्वश्रेष्ठ साधन हमारे जीवन में रहेंगे। ये था इस पाठ का मूल भाव, जो निबंध का जो लेखक हमें बताना चाहता है। अब इस पाठ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि लेखक ने जो बताया है वो किस तरह से हमें इस पाठ में समझाया है। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। मतलब पत्र अपनी जगह पर है और पत्र एक बहुत पुराना साधन है, संचार का माध्यम है, वो आधुनिक साधनों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्यिक तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई। यानी यहाँ तक लेखक ये समझाना चाहता है कि पत्र है वो आधुनिक साधन है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो काम पत्र कर सकते हैं वो आधुनिक साधन नहीं कर सकते। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, वो राजनीतिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में जितने भी विवाद होते हैं, जो घटनाएं होती है, उनका मूल है वो पत्र ही होता है। दुनिया का तमाम साहित्य, चाहे वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या अन्य भाषाओं में हो, वो सभी पत्र पर केंद्रित होता है, उस पर ही आधारित होता है। मानव विकास की अनूठी घटनाएं जितनी भी हैं, उनका विकास है, वो सभी पत्रों ने हमें जानने और पहचानने में बहुत ही अनूठी भूमिका निभाई। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जामु और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। यानी अलग अलग भाषाओं में पत्रों के अलग अलग नाम हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक ही अपनी पत्र लेखन कला होती है, हर एक की, हर व्यक्ति अपने अपने पत्र लिखने का उनका तरीका और उनका अंदाज, उनकी भाषा, शब्दों का चयन सब अलग अलग होता है और हर एक पत्रों के
अपना दायरा होता है, जो पत्र होते हैं उनके एक दायरा निश्चित होता है कि कौन से पत्र में किस तरह से कहाँ कितनी चीजें क्या बात लिखनी है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां यानी जो लेटर्स होते हैं, पत्र होते हैं, वह डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है, ये सिद्ध करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, वह हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे या रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। इस तरह से इस अध्याय के आज के भाग में हमने जाना कि पत्रों का संसार बहुत ही विचित्र है। ये सत्य है कि पत्रों का महत्व, उनकी उपयोगिता हमेशा से ही रही है, क्योंकि पत्रों जैसा संतोष आधुनिक युग का कोई भी संचार साधन, चाहे मोबाइल हो या फोन हो, हमें संदेश नहीं दे सकता। लिखित रूप में होने के कारण पत्रों का राजनीतिक, साहित्यिक, कला के क्षेत्र में भी लेखक ने बहुत अत्यधिक महत्व बताया है। पत्रों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में इसको कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम, जामू और लेख कहते हैं, तो तमिल में इसको कड़ित कहा जाता है। पत्रों का नाम भले ही अलग अलग हो, किंतु पत्रों का भाव सभी जगह समान होता है। पत्र हमारी यादों को सहेज कर लंबे समय तक ताजा रखते हैं। संसार में करोड़ों पत्र प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। अकेले भारत में 4.5 करोड़ पत्र हैं, जो चिट्ठियां हैं वो डाक में डाली जाती है, जो पत्रों की लोकप्रियता को सिद्ध करती है। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।